हेलो गाइस, माय नेम इज अतुल गुप्ता, आई एम टैटू एंड स्केचिंग आर्टिस्ट। और गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा हैंड राइटिंग स्किल के बारे में कि लिखावट को कैसे सुधारे, हैंड राइटिंग अपनी जो है कैसे इम्प्रूव करे। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। और ये सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी हैंड राइटिंग, अगर उनको टाइम मिलता हो तो अपनी हैंड राइटिंग सुधारे। और सबसे ज़रूरी है घर के छोटे बच्चों के लिए, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं गाइस, तो उनको जो है ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कराएं, क्योंकि एक अच्छी हैंड राइटिंग जो है एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। और बचपन से ही मुझे हैंड राइटिंग का बहुत शौक रहा है, मैं बहुत अच्छा लिखता था। तो मैं अपनी जो सारी एक्सपीरियंस है, जो मैंने कैसे हैंड राइटिंग सीखा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में गाइस आपको बताऊँगा मैं कि कैसे मैंने सीखा, वो सारी टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये वाइट शीट ले रखी है और इसमें मैंने ये फोर लाइन जो है ये पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैंने स्केल से फोर लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो ये मैंने फोर लाइंस जो है ये बना लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। गाइस, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जो फोर लाइन वाली जो कॉपी आती है, फोर लाइनिंग्स वाली, वो कॉपी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे मैंने सीखा, टेक्निक्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो में दिख रही हो और समझ में आ रही हो। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये बेस है किसी भी हैंडराइटिंग को सीखने का, ये बेस है हैंडराइटिंग सीखने का जो है, ये बेस है। और इसी डिज़ाइन से ही सारी डिज़ाइनें जो हैं, लेटर्स जो हैं, बनते हैं राइटिंग के। तो ये सबसे पहले सीखे, ये नीचे से अप और ये थोड़ा सा स्लैंट हो, तो ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके घर के छोटे बच्चों के लिए। आप चाहे तो आप खुद सीख सकते हैं, अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आप अपनी लिखावट सुधारना चाहते हैं तो ये पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए। ये बेस है, बेस लाइन है, इसी से ही सारे लेटर्स जो है वो निकलते हैं। और ये मैंने सीखा बचपन में, मुझे एक बुक मिली हुई थी, तो वो बुक में मैंने देखा तो उसमें ये सारी टेक्निक्स वगैरह बताई हुई थी। तो उस टेक्निक को मैंने देखा, मैंने उसको अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि मेरी राइटिंग वगैरह जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने घर के बच्चों को या आप खुद जो है इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी राइटिंग को सुधारें। तो ये जो है बेस है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे कोई भी लेटर बनाने से, ये मैंने पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ गाइस। अब जैसे कि मुझे ए लिखना है, तो मैंने क्या किया कि इसी को ये जो है ये ऐसे गया, फिर ये मैंने इसको ऐसे करके ये गाइस ए हो गया, ठीक है। और ये जो बेस था, बेस लाइन था, उसी में हमने बैक जाके पहले ये मैंने स्मॉल बनाया, फिर ये मैंने बिग राउंड बना के, फिर ये मैं पीछे की ओर चला गया, तो ये बी हो गया। सी के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये बैक में जाके और ये सी हो गया। ये बेस लाइन होता है, उसी से ही सारे डिज़ाइंस निकलते हैं। तो ये सी हो गया, और ये जो बेस लाइन है इसमें हम बैक जाके, ये डी हो गया। ये बेस लाइन है, इसी में पहले ये मैं छोटा बनाऊंगा, फिर ये बड़ा बनाऊंगा, तो ये ई हो गया। तो गाइस, ये बेस लाइन है, फिर ये बैक में जाके ये आपको, आप चाहे तो ये जो फॉन्ट है, ये जो कैंडल स्क्रिप्ट है, ये आपको गूगल में मिल जाएगी, गूगल में आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और ये फोर लाइन की जो फोर लाइन की कॉपी हो, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप किसी पेपर में फोर लाइंस को ड्रॉ करके स्केल से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और अभी से अगर आप घर के छोटे बच्चों की हैबिट बना देते हैं तो आगे जाके उनकी वो हैबिट रहेगी, तो वो उसको जो है अपना जो है उसी तरह से वो राइट करेंगे, उसी तरह से वो लिखेंगे। और ये घर के मतलब आपकी किसी भी एज के लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो ए बी, तो ई एफ, अब मैं जा रहा हूँ जी बनाने गाइस। तो ये जो ये बेस लाइन है, ठीक है। तो गाइस, इसमें ये
हमने क्या किया, बेस लाइन को ये कर दिया, पहले आप ये, फिर ये जी हो गया। एच के लिए तो ये बेस लाइन है, मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ बेस लाइंस को। ये स्लैंट रहता है, तिरछा रहता है, ये चीज़ इसकी प्रैक्टिस कराइए जी। और ये एच अगर गाइस हमें ड्रॉ करना है तो हम, आप ये देखो ये बेस लाइन है ना, और ये आई हो गया, आई के लिए हम क्या करते हैं, बस ये आई हो गया। जे के लिए हमें ये नीचे जाना पड़ेगा, आई जे के लिए गाइस ये देखो ये बैक में जाके, और इसी हम बेस लाइन में आके ये के हो गया। एल के लिए गाइस हल्का सा बैक जाके, ये बेस लाइन में जाके ही इसको हमने ये कर दिया, तो ये एल हो गया। एम के लिए गाइस ये जो लाइन है बेस लाइन, इसमें नीचे जाके अप जाके फिर बेस लाइन हमें बनाया। एम को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, ये पहले बेस लाइन बनाया गाइस, फिर ये मैं ड्रॉ किया, दिस इज एम। एन के लिए हमने क्या किया, बेस लाइन बनाया, फिर नीचे गए, फिर अप गए। तो ये टेक्निक्स है गाइस, ये एक आर्ट है। तो किसी भी फॉन्ट को, मतलब एक एक फॉन्ट को जब मैं सीखता था तो मैं एक एक फॉन्ट को प्रैक्टिस करता था, एक एक लेटर को, ए को, बी को मैं कई बार ड्रॉ करता था। तो ये बहुत ही ज़रूरी है एक एक फॉन्ट को अच्छी तरह से ड्रॉ करना। तो जे के एल एम एन, अब ये ओ बनाना है, तो ये बेस लाइन में मैं गया और ये ओ हो गया, बेस लाइन में गया, ये ओ हो गया, ओ ये बेस लाइन है गाइस, इसमें गाइस बैक से जाके ये पी हो गया, फिर ये बेस लाइन है, फिर ये मैंने ओ बनाया, फिर इसको ऐसे करके क्यू कर दिया, ये ओ बनाया, फिर मैंने क्यू कर दिया, तो ये आर हो गया गाइस। इसमें ये देखो ये बेस लाइन है, सब में बेस लाइन मिलेगा आपको, ये ए बी सी डी ये बेस लाइन है, इस पर बैक जाके मैंने वो कर दिया तो डी हो गया। तो घर के बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एक बुक मुझे मिली थी बचपन में, और उस बुक में मैंने देखा तो ये सारी टेक्निक्स में बताई हुई थी, तो मैंने उसको फॉलो किया और आज मैं अच्छा लिखता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लिखना, बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। तो एम एन ओ पी क्यू आर, एस एस के लिए गाइस पहले आप बेस लाइन लें, फिर ये एस हो गया, बेस लाइन लें, एस हो गया है ना, आप एस को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह का लेटर है एस को ड्रॉ करने का। टी को ड्रॉ करना है गाइस, तो ये देखो ये बेस लाइन है, तो टी में ये इस तरह से आएगा, देखो ये बेस लाइन आ गया और ये टी, क्यू आर एस टी यू, यू यू में ये बेस लाइन आ गया, ये सब जगह मिलेगा बेस लाइन। ये देखिए ये बेस लाइन ही मिल रहा है इसमें, है ना, तो यू और ये वी, तो इसमें ये बेस लाइन है और ये हमने अप कर दिया, तो ये वी हो गया, वी डब्ल्यू डब्ल्यू। इसमें गाइस ये बेस लाइन आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये दो बेस लाइन है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और ये वाई, इसमें ये बेस लाइन है, ये गाइस ये देखिए ये बेस लाइन है और ये जेड, इसमें ये बेस लाइन है। तो ये जो मैंने लेटर बताया इसमें बेस लाइन पे ज़रूर ध्यान दें, ये जो लाइन होती है, ये जो डिज़ाइन होता है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ये बेस लाइन है, ये एफ
EFGHIJKLMN। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमने जो है आपको बताई है टेक्निक्स के बारे में। तो इस पे बेस लाइन हर चीज़ में ये जो फॉन्ट है आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आप गूगल में भी सर्च कीजिए। इसको कैंडल स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो CANDLESCRIPT। ये देखो मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। तो ये कैंडल स्क्रिप्ट आपको गूगल में मिल जाएगा, कैलीग्राफी भी आप लिखोगे तो भी मिल जाएगा। तो ये फॉन्ट की प्रिंट आउट निकाल के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए फोर लाइन वाली कॉपी में। और MN तो ये बेस लाइन पे ध्यान दीजिए। गाइस हम स्मॉल लेटर की ओर चलेंगे, लेटर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, फोर लाइन पे करें। रोज़ जो है आप जो है 5 से 10 मिनट जो है वो दीजिए अपने लिए और एक एक लेटर की प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है बेस, जो ये बेस लाइन होती है गाइस, इस पे ही प्रैक्टिस सारे फॉन्ट्स जो है निकलते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप 10 मिनट भी डेली देंगे तो आप बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करेंगे। सो गाइस इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही, रोज़ जो है इसको 5 से 10 मिनट दीजिए आप। गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने गाइस अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कोई भी जो फॉन्ट होता है उसमें एक बेस लाइंस होती हैं, उसी से ही सारे जो लेटर्स हैं सारे वो स्टाइल होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप इसको, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मिनट डेली जो है अपने वर्क राइटिंग पे दीजिए। और आपके घर के छोटे बच्चों को है उनको ज़रूर सिखाएं। शुरू में आप सिखाओगे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो है इम्प्रूव हो जाएगा और एक दिन बहुत ही अच्छा लिखने लगेंगे। तो गाइस एक बहुत ही ज़रूरी है, ये एक आर्ट है और ये आप ज़रूर सिखाएं अपने घर के छोटे बच्चों को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और सारे वीडियो बनाएं, और सारा मुझे मोटिवेशन मिले तो हम और सारा वीडियो बनाएं आपके लिए जो बहुत ही ज़रूरी हो आपके लिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।